हम कबूतर उड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद चलेगा कबूतर। और बाजी लग गई, उसने आसमान देखा पूरी टोली भरी है कबूतर। चलो इस तरह बोले भाई, माशाल्लाह से दिखाओ। नर ले लिया हमने एक और फिंच का, एक ये रहा नर, इतना करीब मत आओ, और एक ये रहा नर। अब आप सोचेंगे हमने दोनों नर ले लिए, एक माता की उंगली। तो भाई उसकी वजह ये है कि ना शाम तक इसको एक नर चाहिए था, क्योंकि इसका एक नर मर गया था, तो इसमें से एक नर उसका है, और बचा हमारे एक नर के जो मादी है वो हमारा जो जिससे हमने ये लिया है वो इंशाल्लाह शाम तक या कल तक आके दे देगा, आज शाम तक। चल भाई आ जा यार, जल्दी आ यार। हमारी कबूतरी वो जाके बैठ गई है, वो दिख रही है आपको, ये बैठ गई है हमारी कबूतरी। और है ना इसके हमने पर काटे हुए थे। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माई न्यू व्लॉग। यार तो ब्लैक वाली कबूतरी आपको याद है हमारे पास थी, उसके मैंने पर खींच दिए थे, तो अब वो बड़े हो चुके हैं। अब मैंने उसको ना यहाँ बिठाया था इस छत पे, सामने वाली छत पे ना, फिर वो वहाँ से उठ के यहाँ पर आई। जब मैंने इसको उड़ाया उसको बुलाने के लिए, तो वो मैडम उड़ के वहाँ चली गई। अब मैं इसको ले कर आया हूँ, फड़फड़ा हुआ उतरा है, ये देखें। अब मैं इसको छोड़ूंगा, क्या पता वो आ जाए। यार पहले भी हमारा ये पट्टा उड़ गया था, लेकिन ये घर का इसलिए वापस आ गया जब तो छोटा था तो। लेकिन वो कबूतरी हमारे घर में नहीं पैदा हुई ना, वो मैंने कुछ ही टाइम हुए रखे हुए, तो वहाँ चली गई। अब हम इसको उड़ाते हैं, तो ये तो सीधा घर में उतर गया। तो रास्ता भी ऐसा है, मुझे डर लग रहा है चलने में। ये देखो ये इधर छत है और ये इधर छत है, ये बिल्कुल कच्ची छत है, क्या करूँ यार। ये मैंने पिंजरा अपना है ना ये वाला ऊपर छत पे ला के रख दिया था, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं था। चलें हम कोशिश करते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, अगर उड़ गई तो उड़ गई, फिर वो नसीब है, अगर आ गई तो भी नसीब है। हम ना अभी हसीब के कबूतर भी नहीं खुलवा सकते, क्योंकि वो गया हुआ है स्कूल, तो अगर उसके कबूतर खुल जाते वो उड़ते और ये उनको देख के इस घर में उतर जाती, मतलब हमारे घर में, क्योंकि उसकी छत ये रही हसीब की ना, यहाँ से उसके कबूतर उड़ते हैं। ये जो बीच की जगह दिख रही है, और उसके कबूतर है ना अच्छे उड़ने वाले हैं, मतलब काफ़ी देर उड़ते हैं और कबूतरों को लेके घर में उतरते हैं कुछ कबूतरों को, तो ये तो फिर हमारे घर की हो सकते हैं उतर जाए। लेकिन अभी हसीब भी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे कबूतर तो अभी जो ब्रीडिंग वाले हैं वो हमारे घर के इतने पक्के नहीं हैं, जैसे कि ये उड़ गई है, और जो हमारे पट्ठे हैं वो अभी इतने अच्छे नहीं हैं कि मतलब अभी उड़ते रहें और फिर दूसरे कबूतरों को लेके उतारें, वो बेचारे खुद टेंशन में होते हैं हम कैसे उतरें घर में। तो अभी हसीब का इंतज़ार करते हैं, अगर उसके इंतज़ार करने तक यहीं पर बैठी रही तो फिर हमारा फ़ायदा हो सकता है, चांस है, और अगर नहीं हुई तो अल्लाह मालिक, हो सकते उड़ जाए। जिस चीज़ का डर था वही हुआ है, और हमारी कबूतरी वहाँ से उड़ के किसी और की छत पे जाके बैठ गई है। बिल्कुल ब्लर दिख रहा है, कुछ देख नहीं रहा, लेकिन एंड यही है कि भाई हमारी कबूतरी जो है वो उड़ चुकी है, काली वाली। अब कोई इसका हल नहीं है, क्या कर सकते हैं। अच्छा वो भी है ना हसीब के दोस्त की छत है, तो अगर उस घर में भी उतर गई तो फिर हमारे पास चांस है कि आ जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आना होगा उसको, आ जाएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी। तो भाई हमने कर दिया है छुपकली का कत्ल, और जो छुपकली की लाश है वो हमारा एक परिंदा खाएगा। ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, हमारा जो मुर्गा है मैं उसको खिला दूँगा ये। हाँ भाई तेरी दावत है आज, आ जाओ बाहर आओ, कम ऑन, आ आ आ, हम इसको खिलाते हैं। चलो जाओ 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 खाओ, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ छुपकली। देख तो रही ना, अब छुपकली को उठा के इधर फेंकते हैं, फिर ये खा लेगा। ओ भाई गटक गया पूरी। चलो शाबाश, जाओ अब घर जाओ, घर घर घर। अच्छा घर तो बंद है, घर 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 घर, शाबाश। चलो तो भाइयों हसीब आ चुका है स्कूल, सब उसका रिएक्शन देखते हैं कि हमारी काली वाली कबूतरी भाग गई। हसीब एक सीन हो गया, एक कबूतर का नुकसान हो गया। कौन सा? कसम से पट्टा नहीं, ये काली वाली कबूतरी ना उड़ गई।
कसम से हमारी काली वाली कबूतरी उड़ गई। क्या हुआ? जैन ने कॉकटेल पकड़ा, ब्लैक कॉकटेल। अच्छा तो बेचेगा? हाँ। पूछ लेना कितने का। देखता है हमारी रेंज में हुआ तो हम खरीद लेंगे वरना छोड़ देंगे। प्रधान बोला किंतु कौन सा तो पकड़ा था फिशर, बोला 7,500 की थोड़ी। इसने पकड़ा है उसको तो 200-300 रुपये वैसे ही फ्री का मिल रहा है। ये हम कबूतर उड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद गिरेगा ये कबूतर। और बाजी लग रही है, वो देखा आसमान दिखा पूरी टोली भरी हुई कबूतर हो गए। चल रहे उस तरफ मुड़ गए। बहुत अच्छा वो है राजा बेटा, बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गौर से देख, राजा से ले ले। अबे क्या दाना पानी भी कुछ करता है, ले ले। खाली रखने के लिए देना है बस, वापस दे दिया असीब को। पूछ के तो आ, पूछ के तो आ जा। मैं रख लूं। चलो भाई अब कहाँ रखेगा। पागल है, मैं बीप मार दूंगा। ये बहुत गंदा बच्चा है यार। चल बॉल वापस आइए उठा के। अब कहाँ रखेगा? वे कहाँ रखेगा अब? अभी हम लोग है ना एक और चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे सेटअप में एक और प्यार का इजाफा होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा किस चीज़ का होने वाला है, ये नहीं बताऊंगा किस चीज़ का होने वाला है। वो अगर मिल गया प्यार तो ठीक है, तो बता देंगे, अगर नहीं मिला तो फिर क्यों बताएंगे। ये देखे क्यों मिला, वजह अजियत दे रहा है उसको भाई। माशाल्लाह से दिखाओ, नर ले लिया हमने एक और फिंच का। एक ये रहा नर, इतना करीब मत लाओ, और एक ये रहा नर। अब आप सोचेंगे हमने दोनों नर ले लिए, एक मादा क्यों नहीं ली? तो भाई उसकी वजह ये है कि ना शाम तक इसको एक नर चाहिए था, क्योंकि इसका एक नर मर गया था, तो इसमें से एक नर उसका है, और बचा हमारे एक नर के जो मादी है वो हमारा जो जिससे हमने ये लिया है वो इंशाल्लाह शाम तक या कल तक ला के दे देगा उसको। आज शाम तक। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और अभी मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गुड बाय। जोक्स साइड पर यार, मैं तो प्यार अपनी तरफ से दे रहा हूँ आप लोगों को, अब आपकी बारी है। सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, और इंशाल्लाह फिर जल्दी हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो इसी के साथ बस ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।